मुफ्त की आइसक्रीम खा लेते हैं। टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तुम यहीं बैठे रहो, मैं आता हूँ। इसका साथ देकर तो मेरी मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं। अगर इससे छुटकारा पा लूं तो मैं मर्सी पिटीशन साइन करवा सकती हूँ। जी एसीपी साहब। कहाँ से बोल रहे हो? सर, हम यहाँ हाईवे के पास वाले एक वेडिंग हॉल में हैं। जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पर आ जाइए। कौन बोल रही हो? हेलो, इससे काम चला, आइसक्रीम बाद में दूंगा। बताया तुम्हें, इनका भी लव मैरिज हो रहा है। लड़की ने लड़के को 5 साल अपने पीछे भगाया, फिर जाकर आई लव यू कहा। बाहर तो कोई नहीं पूछता, और जो पूछता है उनको तुम घास नहीं डालते। खुद को समझते हैं लेडी डायना, कभी देखा है आईना? ऐवैं करते हैं। अब मंत्रों पर ध्यान दो। शादी में रुकावट के लिए खेद है, हम लोग यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। वो ये मंडप के अंदर ही छुपा हुआ है, इसीलिए आप लोग जाते का टाइम मेन डोर से ही। मेरे साथ रहना डेंजर है। अगर आप औरतों के झुंड में घुसकर तुम कल्टी मार लो, बाहर चलकर तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। ओके, मेन डोर से ही जाना। जाओ निकल जाओ, तड़ातड़ी एक एक करके आइए। किसी को बताना मत कि तुम मेरे साथ ही। गो गो गो, जाओ 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 जाओ। चलिए चलिए, यस यस, जाइए जाइए, तड़ातड़ी। चलो कर। मेरे को ठिंगा जगा के भाग रहा था। चल, मैं बड़े बड़े मुजरिम को पकड़ता है, तू तो खटमल है रे। क्या देख रहा है, मैं मिठाइयों क्या? चल चल, बहुत दौड़ाया मुझे। आप उसको बताएगा शैतान थी। बोलो बोलो, किसका नहीं कटा? ओ मैडम, टिकट कटा गया? एक टिकट पूना। एक कैसे लोगी? दो लो। मैंने उससे पकड़ा था लेकिन वो भाग गया। तो मैं सोचा तुमको ही पकड़ लेते हैं, तो पीछे पीछे आ ही जाएगा। बाइक में बहुत चिपक के बैठी थी। मैडम, एक काटोगे तो तीन टे। हेलो, पता था तू जरूर आएगा। कंफर्म छिलो कि तुम्हारा डिमोशन। सेलफोन ऑन है ना? वाइब्रेशन में है। उसी वाइब्रेशन के झटके तुम्हें भी लगेंगे। हेलो, मैं बस में सफर कर रहा हूँ सर। क्या बस में? क्यों? बेटी का जन्मदिन है, इसीलिए रसगुल्ला लेने के लिए जा रहा हूँ। तुमने सोहिया को अरेस्ट क्यों किया? हाँ, क्या है कि एफआईआर बनाई? नहीं सर। क्यों? ओ, राजा शैतान सिंह ने। शैतान सिंह या शंकर दादा के चमचे नहीं हो कि जो वो कहे वही तुम करो। तुम सरकार के मुलाजिम हो, उसे छोड़ दो। रुको, हवलदार साहब, मेरे साथ मजाक मत करो। सुनो, ये बहुत अच्छा लड़का है, हो सके तो इसके साथ भाग जाओ। मैं भी भागता हूँ। तेरे तो क्यों हीरोइन, मुझे लटका कर तुम सेफ रहना चाहती हो? वेड़ी साल इसका शैतान से मिलने जा रही हो? ओहो, प्रॉब्लम अकेले ही सॉल्व करना चाहती हो? कैसे 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 करोगी? पाटिल भाव, मेरे भाई ने मर्डर नहीं किया, उसको तो प्रेम सा लेला। आपको खामखा गलत फैमिली हो गई लिए। वो मान जाएंगे और कहेंगे, सुनती हो ये क्या कह रही है, हमारी वैष्णवी का कातिल इसका भाई है जिसने उसे गलती से मार दिया। लाओ पेपर मुझे दो बेटी। सुरेखा, पेन देना। तुम्हें क्या लगता है, वो कहेंगे तुम्हारे भाई ने फर्स्ट टाइम गलती की है, छोड़ दूंगा उसे? चीर डालेंगे। आंखें फाड़ फाड़ कर मत देखो, सच कह रहा हूँ। क्या नाम था उस बटले का? हाँ, तुम्हारा शिव काशी अंकल। उसे कोने में डालकर घोड़े पे बैठकर टुकड़ुक 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 रानी की झांसी बनकर उस शैतान सिंह को मारने जाओगी? पैरों से कुचल कर रख देगा। कितनी बार तुम्हारे शैम्पू वाले भेजे में डालना पड़ेगा, मुझ पे विश्वास करो। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? ऐसा कौन सा काम किया है तुमने? एक हो तो बताओ, इतने की है कि मुझे याद ही नहीं। झटका बहुत जोर से लगा। हाँ, ये इसकी खुशी की चीख थी। राजा जी, आप यहाँ पे क्यों आए? मेरा फोन पानी में गिर गया, इसीलिए कॉल नहीं कर पाया। उठाए तो वो क्या है कि वो भाग गया। शैतान जी, इसी ने उसको छोड़ा है। अरे नहीं नहीं दादा, अगर उसको नहीं छोड़ता तो मेरा नौकरी जाता था। नौकरी खोने का डर है, मौत से डर नहीं लगता। लगता है वो भाग गया आपके डर से। वो भाग नहीं गया, उसने हमें भगाया है। शेर के घर में आकर चूहे ने उसे ललकारा है। चाहे जितना उछल ले, चूहा शेर से टक्कर नहीं ले सकता।
सऊदी से आए तुझे इतने दिन हो गए लेकिन अब तक तूने कुछ नहीं किया। मोटे मेरी बात कान में ध्यान से ले। टीवी चैनल वालों को फोन लगा दे और सारी प्रेस को यहीं बुला ले ताकि श्रीराम के घर वालों को मैटर पता चल जाए। हमें शैतान पाटिल से किसी भी हाल में वो मर्सी पेटिशन साइन करवाना है, इसके बारे में सोचो। अगर शैतान सिंह ने साइन करने से मना कर दिया तो श्रीराम का क्या होगा? आइडिया, अगर हम जेल तोड़कर श्रीराम को भगा लाए तो? अरे वो कोई पंछी का पिंजरा नहीं है जो तोड़ के ले आएगा, सऊदी का जेल है वो। सूर्या बोला, अगर हम उसकी गैंग में शामिल हो जाए तो काम बन जाएगा। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है पर प्लान थोड़ा सा हटके होगा। हम उससे दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे, हम उससे दुश्मनी करेंगे। अब तक तो वो हमारे पीछे पड़ा था, अब से हम उसके पीछे पड़ेंगे। सूर्या हाँ, ये सब ठीक है पर श्रीराम को बचाने के चक्कर में तू अपनी जान मत गवा देना दोस्त। डर मत, मुझे कुछ नहीं होगा। अपनी जान को जोखिम में डालकर मैं श्रीराम की जान बचाऊंगा। पाटिल भाव, अब देख मैं तेरी कैसे बजाऊं। किक मारो। से पहले तू मर क्यों नहीं गया? सूर्या को पकड़कर मेरे कदमों में लाओ। ए, उठाई दो, उसको लेकर आओ। ये राजा शैतान सिंह उसको धूल चटाएगा। शोध उनका। क्या कहा? तुम गेम में पार्टिसिपेट नहीं करोगे? नहीं। अचानक तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे भाई ने तुम्हें चैंपियन बनाने के लिए कितना पैसा बहाया है और तुम हो कि नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहती? लगता है इस उम्र में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेघना, भैया को पता चलेगा तो उनका दिल टूट जाएगा। जरा सोच कर तो देखो। इसमें सोचना क्या है, इसे पार्टिसिपेट करना होगा। नहीं डैडी, प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए, मैं नहीं खेलूंगी। हाँ? मेरी होनहार और चैंपियन बेटी नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करने से मना कर रही है। मैंने क्या किया अंकल? तो फिर किसने किया? तुमने उसे बहकाया होगा। जलेबी की तरह सीधा ही है। मैं बात करूंगा, मैं समझाता हूँ ना। मेरे भाई को फांसी की सजा दी जाने वाली है और ऐसे में मैं अपने गेम पर कंसंट्रेट कैसे करूं? सुनो, पुराने हिंदी फिल्मों के घिसे पिटे डायलॉग मत रटो। तुम्हें क्या लगता है कि जिनका खून का रिश्ता होता है सिर्फ उन्हीं को आंसू बहाने का हक है? तुम्हें शायद नहीं मालूम कि हमारा क्या रिश्ता है। वही मेरे लिए सब कुछ है और मैं ही उसके लिए सब कुछ। तुम तो काफी इमोशनल हो गई। इमोशनल नहीं हुई, मैं कुछ सोच रही थी। तुम्हारा कहना है कि तुम दोनों की फ्रेंडशिप खून के रिश्ते से भी ज्यादा गहरी है। खोखली फ्रेंडशिप है। खोखली कहती हो? काफी लोगों ने इसे तोड़ने की कोशिश की। हमारे बीच में गलतफहमी पैदा करनी चाहिए, हमें दुश्मन बनाना चाहा पर कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे हिसाब से ग्रेट फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए? लव को दोस्ती के लिए डोनेट कर दे, बाइक रेस खुद जीत रहा तो मेरे लिए हार जाए, मैं यहाँ गिरूँ तो दर्द उसे हो, यही ना इसे फ्रेंडशिप कहती हो? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है पर तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। श्रीराम वापस आएगा, उसे कुछ नहीं होगा। श्रीराम तुम्हें चैंपियन बनाना चाहता था, जब वो आएगा क्या जवाब दोगी? कम ऑन, स्टार्ट प्रैक्टिस। चलो मेरे साथ। नहीं जाएगी, ये तेरे झांसे में नहीं आने वाली। तेरे जैसे सलच्छा बहुत आशिक देखे मैंने। तू समझते क्या अपने आप को? तू मेरे बाजू में आगे खड़े रहे क्या रे? खुद को समझते क्या है तू? क्या कर रहे तू मेरा? बोल ना। काशी अंकल, आप इतने चिड़चिड़े, तमतमाए और बौखलाए क्यों हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हार्ट फेल हो जाए। यहीं खड़े रहिए। मेघना, अंकल के लिए बीपी की टैबलेट लाओ। जाओ। बीपी नहीं है, डायबिटीज नहीं है, शुगर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये गोली मैं नहीं, तू खाए। लगी जोर से? मर्द को दर्द होता है। तो फिर आपको इतना इमोशनल होने किसने कहा था? मेघना के साथ तुम्हें अकेला देखकर इमोशन आ गया। तुम सनी की तरह इतने जोर से क्यों चिल्लाते हो? ये सनी कौन है? सनी को नहीं जानते? याद आ गया, बड़ी मुझे सीना तान के चिल्लाता है। सही कहा, पर इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? मैं कितना खाता है वे? क्या कहा था तूने? मुझसे पंगा लेगा? ले 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 ले, धक्का मारा था ना मुझे, मार मार ना, धक्का मार मुझे, मुझे हाथ लगाता है साले, अभी तक आई नहीं है, दो चार। अरे काशी अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, वो आती होगी, आपके हार्ट को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। दो दो, अरे बीपी की गोली दो, लो 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 लो, खाओ 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 ना। ये टॉफी की गोली नहीं है, जाओ पानी लेकर आओ। जाओ जाओ, तुम जाओ वरना ये मर जाएंगे। जाओ पानी लेकर आओ, जल्दी जाओ और लेट आओ। सही से छू, सही से छू, मार मार, खुद को मार।
पहले ही तुम इस घर के माल को काफी लूट चुके हो। आइंदा अगर मेघना के बाप को बिजनेस या डील के बारे में चुना लगाया तुम कान के नहीं। वाटर और टेबलेट की जरूरत नहीं है, धूप में खड़े खड़े अच्छे हो गए हैं। काशी अंकल इसे कह दीजिए कि हम बिल्कुल ठीक हैं। मैं ठीक हूँ। जाओ जाओ लेकर जाओ लेकर जाओ। I'm ready. Good. Hey मेघना, that's good. Thank you. ये तो तैयारी नहीं थी, पर अचानक कैसे? ये सब शिव काशी अंकल का जादू है। ऐसा क्या किया तुमने? मैंने प्यार से समझाया, क्योंकि किसी ने मुझे भी प्यार से समझाया था। प्यार बांटते चलो, गेम खेलते चलो। काशी अंकल, शिव काशी अंकल, काशी अंकल, कमाल का हुनर है आप में, क्या समझाया है? चलो मेघना। बाय बाय। सूर्या, शैतान सिंह के आदमी तेरी तलाश में है। बता रहा है कि डरा रहा है? अबे बता रहा हूँ। ये यहाँ क्यों आ रहा है? अरे ये तो फुटबॉल टीम लेके आ रहा है। शंकर दादा, शैतान सिंह का नंबर वन दुश्मन। शंकर दादा और शैतान सिंह का 35-36 का आंकड़ा है। बाय लोग, आप उनका नाम है। इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट मत करो, मैटर बोलो, मुंह खोलो। मैटर ये है कि पूरे शहर में पिछले 20 सालों से किसी में भी राजा शैतान सिंह के खिलाफ लिक्विड टेंडर भरने की हिम्मत नहीं हुई। अगर किसी ने हिम्मत की तो उसकी जान गई, पर आप लोगों में उसकी दहशत कम होने की वजह से राजा की नींद उड़ गई, और उसकी वजह तू है। पर फिक्र मत कर, तू मेरे साथ है। अगर तू मुझे सपोर्ट करेगा तो मैं इस साल का टेंडर भरूंगा। तुझे जितना कमीशन चाहिए मुझे बोल। तुम नेशनल गेम खेलना चाहती हो ना? पहले किचन में जाओ और सब्जियां काटो। गुस्से में फर्स्ट फ्लोर से कूद जाओगी, पर यहाँ एक फीट जम नहीं कर पा रही हो। अगर इसी तरह तुम प्रैक्टिस करती रही तो आगे से नहीं पीछे से फर्स्ट आओगी। आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन पर चिल्लाना नहीं चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। कौन से झंडे गा रहे जो तारीफ करूं? बोल बच्चन देना आसान है, हमारी तरह पसीना बहाना बहुत मुश्किल है। आ, देख रहा हूं कितना बहा रही हो। ये कोई ड्राइंग कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है, नेशनल गेम्स है। तुम्हारे सामने चैंपियंस होंगे। लाओ मुझे दो, बस आओ पोजिशन ले लो। चलो